जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में बुरी तरह हार गई भारतीय टीम, वही भारतीय टीम जो अभी अभी वर्ल्ड चैंपियंस बनी है। हालांकि वर्ल्ड कप चैंपियन का कोई भी खिलाड़ी इस टीम में नहीं खेल रहा था, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय भी टीम इतनी मजबूत है कि किसी भी टीम को हरा सकती है। लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे ने इस भारतीय टीम को बुरी तरह शिकस्त दे दी और इस बात से शबमन गिल काफी भड़क गए और पोस्ट मैच इंटरव्यू में चौंका देना वाला बयान दिया। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद आज भारतीय भी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला T20 मैच हरारे के मैदान में खेल रही थी, जहां टॉस जीतकर शबमन गिल, जो पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया और ये फैसला बेहद ही शानदार रहा, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे की पूरी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दी थी। किसी भी जिम्बाब्वे के बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही रावी बिश्नोई और वॉशिंगटन संडर आए, उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। 100 रन के अंदर ही टीम ने जिम्बाब्वे के 9 विकेट झटक दिए थे। हालांकि आखिरी विकेट के लिए क्लाइव मार्डंडे और चटारा ने 25 रनों की साझेदारी बना ली थी, जिस वजह से जिम्बाब्वे की टीम अपने 20 ओवरों में 115 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। भारतीय टीम के लिए रवि बिश्नोई ने 4 विकेट लिए, तो वही वॉशिंगटन संडार ने 2, मुकेश कुमार और आवेश खान को 1-1 विकेट मिले। 116 का लक्ष्य देखकर सभी को ऐसा लगा कि भारत इस स्कोर को 10 ओवरों के अंदर ही चेस कर लेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं आईपीएल में अभिषेक शर्मा ने क्या हाहाकार मचाया था। लेकिन ये सिर्फ सपना रह गया, क्योंकि अपने डेब्यू मैच में अभिषेक से जो तूफानी बल्लेबाजी की उम्मीद थी वो फ्लॉप रहे और अपना खाता खोले बिना ही चलते बने। अभिषेक के जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड भी सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। यही नहीं, रियान पराग और रिंकू सिंह भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। रियान सिर्फ 2 रन बना सके, तो वही रिंकू तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। सिर्फ बाईस के स्कोर पर टीम ने अपने 4 विकेट गवा दिए थे। जिम्बाब्वे की टीम भारत के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना के रख रही थी, उन्हें रन बनाने का कोई मौका ही नहीं दे रहे थे, जिसके चलते ध्रुव जुरेल भी सिर्फ 7 रन बना सके। तो वही दबाव के चलते शुभमन गिल, जो सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी 31 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद सिकंदर राजा ने रवि बिश्नोई को भी चलता कर दिया। 61 के स्कोर पर भारत ने अपने 7 विकेट खो दिए थे। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन आखिरी ओवर में भारत ये मैच हार गई। भारत 102 रन पर ऑल आउट हो गई और जिम्बाब्वे ने इस मैच को 13 रनों से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की लीड ले ली। वही दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में बुरी तरह हारने के बाद शुभमन गिल, जो पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, वो भौंकला गए। शुभमन गिल को जब मैच के बाद इस हार के बारे में पूछा गया, तो गिल ने बात करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए बेहद ही दुखद भरी है। जिम्बाब्वे जैसे छोटी टीम के खिलाफ हार जाना, ये हमारी टीम को शोभा नहीं देती। मैं मानता हूँ जिम्बाब्वे की टीम कुछ सालों से अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन कुछ भी हो, हम उनसे कहीं बेहतर टीम है। हमारे पास आईपीएल का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आज हम बतौर टीम पूरी तरह से फ्लॉप रहे। जब हमें 116 का लक्ष्य मिला था, हमें लगा कि हम ये मैच बड़े ही आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक से बढ़कर एक मैच विनर्स है। लेकिन हमने जिम्बाब्वे की टीम को हल्के में ले लिया। हमारे सारे बल्लेबाज ओवर कॉन्फिडेंट थे, जिस वजह से सारे बल्लेबाज खराब शॉट्स खेलकर एक के बाद एक अपना विकेट देते चले गए। आज हमने बहुत ही घटिया बैटिंग की है। इस तरह की बैटिंग की उम्मीद हमसे किसी ने नहीं की थी। बतौर कप्तान मुझे काफी शर्म आ रही है कि आज हम जिम्बाब्वे के खिलाफ एक तरफा अंदाज में मैच हार गए। लेकिन वही मैं जिम्बाब्वे की टीम को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेला है। एक वक्त पर वो 100 रनों के अंदर ऑल आउट होने के कगार पर थे, लेकिन वहां से भी उन्होंने जो कमबैक किया वो तारीफ के काबिल है। अब हमारे पास और 4 मैच बाकी है। उम्मीद है हम चारों मैच जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर लेंगे। दोस्तों, आपकी राय में भारतीय टीम की इस हार का कारण क्या था, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।